हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की मराठी का क्वेश्चन आंसर पार्ट एक का, आमी चालू हा पुढ़े वारसा। सो बच्चों, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जो टफ वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है आपको। और यहाँ पे लिखा गया है कवितेची मध्यवर्ती कल्पना, तो ये यहाँ पर दिया गया है और इसी का इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है। तो आपको मराठी समझ में नहीं, अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश में यहाँ पे समझ सकते हैं। लाइक द डिसाइपल्स हु हैव गेन नॉलेज फ्रॉम द टीचिंग ऑफ देयर रिवर्ड गुरु मीन्स टीचर आर एक्सप्रेसिंग थ्रू दिस पोएम द ग्रेटनेस ऑफ अ टीचर इन वंस लाइफ। दे ऑल्सो प्रोमिस टू कैरी ऑन द लेगेसी ऑफ वर्चुअस कंडक्ट गिवन बाय देयर टीचर फर्दर। तो ये चीज़ें तो वही है जो हमने पढ़ा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, तो आपको वहाँ समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो किस तरीके से यहाँ पे वो अपने गुरु के प्रति, अपने टीचर के प्रति जो वो नॉलेज देते हैं, तो वो किस तरीके से उन्हें अपने थॉट, अपने जो रिस्पेक्ट है टीचर के लिए वो एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से जो टीचर उन्हें सिखाते हैं उसे अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में कैरी ऑन करने का वो मतलब उस चीज़ों को, उन लेगेसी को, वर्चुअस जो भी वो सिखाते हैं उसे आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, वो इसमें दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए, जो अभी कविता रहता है या पोएम रहता है जो भी, तो उसके जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी टफ होते हैं, तो उसके मीनिंग यहाँ पे दिए गए हैं। तो देख सकते हैं आप, वारसा मतलब क्या होता है, वडिलोपार्जित थोरांची शिकवन यानी ट्रेडिशन हेरिटेज, जो हमें विरासत में मिलती हैं, जिन चीज़ों को हमें अपने पुराने लोगों से मिलता है, हमें अपने लाइक जो जनरेशन टू जनरेशन वो आगे तो मतलब वो बढ़ता जाता है, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन जो हमें मिलता है हेरिडेटरी में। ज्ञान रूपी वसा यानी ज्ञानाचे व्रत मीन्स असोलमन प्रॉमिस और फोर ऑब्जर्वेंस फॉर नॉलेज एंड लर्निंग। तो ज्ञानाचे व्रत मतलब कि उसका ज्ञान का व्रत लेना, उसका प्रॉमिस करना, ज्ञान लेने का उसकी शपथ खाना, ठीक है। पिता, ये तो आपको पता ही है, फादर। बंधु यानी भाऊ, ब्रदर, ओके। स्नेही यानी सोबती, मित्र, कंपेनियन, फ्रेंड, बडी, ओके। माउली मीन्स आई। कवर्टसा, यहाँ पे देख सकते हैं हम, अ स्मॉल रे ऑफ लाइट, लोरी, ओके। अंकुर यानी नुक्ते जमीनी वर आलेले दल मीन्स अ प्लांट शूट लाइक स्प्राउट। बीज, आपको पता ही है, सीड, जो सीड्स होते हैं। फलद्रुप यानी जो फल से लगे हुए जो ट्री होते हैं, ट्री दैट बियर्स फ्रूट ब्लूम्स, ओके, यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट। इसके कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव रिजल्ट जो हमें मतलब कि जैसे हम अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका फल अच्छा मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। धीरता यानी धैर्य, ठीक है, हम बोलते हैं ना धीरज रखना, करेज, ओके, एडरेंस, डेयरिंग। शूरता यानी शौर्य पराक्रम, ब्रेवरी, फियरलेसनेस, ये धीरज धैर्य का इसका होगा, पेशेंस भी होगा, ठीक है, इंग्लिश में। वीरता आपको पता ही है, हीरोइज्म और वैलियंस, ठीक है, पराक्रम, वीरता। थोर यानी मोटे और महान, ग्रेट ऑफ हाई क्वालिटी। नम्रता यानी शालीनता, मॉडेस्टी, पोलाइटनेस, ये आपको पता ही है। ध्यास यानी ओढ़, लॉन्गिंग यानी कार्विंग, ठीक है, कार्विंग आ यर्निंग डिज़ायर। मनी मीन्स मनात, इन द हार्ट, ठीक है, यानी मनी का मतलब इन द हार्ट, दिल में। दुष्ट आपको पता है, दुष्ट मानुष जो बुरे व्यक्ति होते हैं, एविल पर्सन लाइक इमोरल पर्सन। शासन यानी शिक्षा या पनिशमेंट, ओके। गुणी गुणवान जो होते हैं, वर्चुअस होते हैं, राइटियस होते हैं। सज्जन मतलब चांगला मानुष, जो अच्छे इंसान होते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। पालन करने यानी उस किसी भी चीज़ का नियम का पालन करना, उसे फॉलो करना, अबाइड करना। मनी मानसी यानी मनातल्या मनात, इन द हार्ट एंड इन द थॉट्स, कहने का मतलब ये है कि दिल और दिमाग से भी। ठसा यानी खून, इम्प्रेशन। त्याग यानी छोड़ देना किसी चीज़ को, ओके, लाइक सैक्रिफाइस कर देना, उसे छोड़ देना, गिविंग अवे। सेवा शुश्रूषा, काजी खेने यानी सेल्फलेस सर्विस, ओके, केयर, किसी की सेवा करना, वो तो बहुत सिंपल है। फड़ा एने मीन्स फल मिलने, मतलब कि टू बी फ्रूटफुल, उस किसी चीज़ का हमें फल मिलना, अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, बुरे काम का बुरा फल मिलता है, वो, ठीक है, मीन्स टू बी सक्सेसफुल, टू कम टू फ्रूटेशन, फ्रूशन।
कीर्ति यानी प्रसिद्धि, फेम, रेपुटेशन, ओके। दिशि यानी दिशांत, इन द डायरेक्शन। अगा मीन्स अरे, हम बोलते ना अरे, ओ, हे, लाइक ये एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं किसी को बुलाने के लिए और कई बार बोलने के लिए। पुण्यवंत यानी पुण्यवान, पुण्यवान व्यक्ति। वर्चुअस, मेरिटोरियस, भले यानी चांगला, मानसा, ओके, अच्छा इंसान, गुड नेचर, रिस्पेक्टेबल, ओके। पैराफ्रेज ऑफ द पोएम, ऑल डिसाइपल स्टूडेंट सिंग इन कोरस, आर रिवर्ड टीचर हैज़ गिवन अस दिस वर्ब ऑफ विजडम, वी हैव एम्ब्रेस्ड इट। ये तो कविता का भावार्थ है, एक पैराफ्रेज है, ओके। यहाँ पे इंग्लिश में पूरा है, आप देख सकते हो। तो जिन बच्चों को अगर एक्सप्लेनेशन में समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा मीनिंग अच्छे से दिया हुआ है इंग्लिश में, ओके। तो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है और ये उसका रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो समझने के लिए। कुछ बच्चों को मराठी में प्रॉब्लम होती है तो वो इंग्लिश से अपना अच्छे से समझ सकते हैं, यहाँ पे पूरा इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कविता का भावार्थ यहाँ पे मराठी में दिया है लेकिन सिंपल वर्ड्स में दिया है, ओके। वहाँ पे वो कविता के रूप में है लेकिन यहाँ पे ये अच्छे से समझा के दिया गया है, तो ये आपके लिए ईजी है, ओके। जैसे मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। सर और शिष्य मानता, सर सभी शिष्य कहते हैं, सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, गुरु ने अमाला ज्ञान रूपी व्रत दिले आहे, गुरु ने हमें ज्ञान रूपी व्रत दिया है। ते आमी नम्रभावा ने अंगीकार ले आहे, गुरुचा हा वारसा आमी पुढ़े चालू ठेबू। वैसे मैंने बहुत ही डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है, तो बच्चों अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो एक साक्षात कल्पतरु की तरह है, कल्प वृक्ष जो होते हैं उसके तरह टीचर को यहाँ पे बोला गया है। असे कल्पतरुष्या तड़ाशी असलेले तुम्ही शीतल सावली आहात, तुम्ही प्रत्यक्ष सूर्य आहात, तुमच्या तेजाचा कौड़सा तुम्ही आम्हाला दिला आहे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जो इंग्लिश में दिया गया है वही मराठी में भी दिया गया है लेकिन बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है, तो आप इसे देख के अच्छे समझ सकते हो। यहाँ पे कल्पतरु क्या है, ये आपको पता है कि एक वृक्ष होता है जो हमें लाइक एक डिवाइन ट्री होता है और जो भी हमारी इच्छा होती है वो इसे फुलफिल करता है ये वृक्ष, ऐसा हम मानते हैं हिंदू धर्म में कि कल्पतरु ये जो है कल्प वृक्ष है, वो समुद्र से निकला था जब समुद्र मंथन हुआ था और ये देवताओं के पास था यानी स्वर्ग में है, और उससे कुछ भी मांगा जाता था वो तुरंत के तुरंत वो इच्छा पूरी कर देता था, वो उसको बोलते हैं कल्पतरु। तो यहाँ पे टीचर को एक कल्पतरु की तरह बताया गया है, जो तरु का मतलब आपको पता है पेड़ होता है और कल्प उसका नाम है कल्पतरु, ठीक है, कल्प वृक्ष। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेसन नंबर 1 है उसको मैंने आपको बता दिया है, जो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बट जो भी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है वो मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लेसन नंबर 2, ओके। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए।